हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमारा एलसीएम का प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा है उसी सीरीज में हम कुछ और नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना, यहाँ पे क्वेश्चन फोर क्या बोला है, क्वेश्चन फोर बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 9, 10, 11, 12 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। हमें वह छोटी संख्या बतानी है जिसे 9, 10, 11, 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचता है। 9, 10, 11, 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको नोट कर लेना। यहां पे देखना, ये फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, नोट करके इसको लिखना। यदि किसी संख्या को ए बी सी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आर बचता है तो वह नंबर होगा, वह संख्या होगा एलसीएम ऑफ ए बी सी इंटू के प्लस आर। एलसीएम ऑफ ए बी सी इंटू के प्लस आर, मैं यहां पे बताता हूं कि के क्या है और आर क्या है। द नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई ए बी सी लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। ए बी सी को उस नंबर से डिवाइड करने पर सभी रिमाइंडर आर देता है तो वह नंबर होगा, क्या होगा देखना। यहां पर नंबर होगा नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी सी। एलसीएम ऑफ ए बी सी जो तीनों नंबर दिया रहेगा उसका एलसीएम, जो तीनों नंबर दिया रहेगा उसका एलसीएम, एलसीएम इंटू के प्लस आर। यहां पे के क्या है? के एक यहां पे नेचुरल नंबर है, के नेचुरल नंबर है। के का वैल्यू यहां पे होगा 1, 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। अगर हमें मिनिमम नंबर फाइंड करने बोलेगा, मिनिमम नंबर फाइंड करने बोलेगा, छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना बोलेगा, तो यहां पे k का वैल्यू हम लोग यहां पे रख देंगे 1, k का वैल्यू रख देंगे 1। इसी प्रकार इसका k का वैल्यू यहां पे वेरी होते जाएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। और r क्या है, यहां पे r क्या है, r जो रिमाइंडर बचेगा एबीसी को डिवाइड करने पर, एबीसी को नंबर से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा सभी केस में, सभी केस में वह यहां पे आर होगा। ये आर जो है रिमाइंडर है वही यहां पे आर है। और एबीसी क्या है, एबीसी नंबर है। तो नंबर हमें कैसे फाइंड होगा, नंबर फाइंड होगा एलसीएम ऑफ एबीसी, एबीसी का एलसीएम निकालेंगे, उनको के से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस उसमें आर को ऐड कर देंगे। के का वैल्यू क्या है, के एक नेचुरल नंबर है, के का वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, वह हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको पुट करना है। के वैल्यू को कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही बोला है, देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 9, 10, 11, 12। यहां पे फोर नंबर दिया है 9, 10, 11, 12 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। सभी केस में 3 रिमाइंडर बचता है यहां पे, तो हमें वह नंबर फाइंड करना है। तो यहां इसको चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जस्ट अभी जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसी को यहां पे लिखते हैं। क्या फॉर्मूला है, नंबर इक्वल टू नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ क्या, यहां पे क्या दिया, यहां पे दिया 9, 10, 11, 12, तो यहां पे हो जाएगा एलसीएम ऑफ 9, 10, 11, 12 इंटू के प्लस आर, जो हमारा फॉर्मूला होता है प्लस आर, लेकिन यहां पे आर की जगह क्या दिया, रिमाइंडर क्या दिया, 3 दिया, तो यहां पे आर का वैल्यू होगा 3, यहां पे आर का वैल्यू होगा 3। जस्ट जो अभी फॉर्मूला पढ़े उसी में पुट किया हूं। तब इसको सॉल्व कर देते हैं, हमें ये नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए तो पहले जो एलसीएम निकालना पड़ेगा 9, 10, 11 और 12 का, 9, 10, 11 और 12 का हमें यहां पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 9, 10, 11, 12 का एलसीएम क्या होगा। यहां पे टेबल बना देता हूं, चलिए यहां पे क्या क्या नंबर दिया है, नंबर दिया यहां पे 9, 10, 11 और 12। तो क्या इनमें से कोई भी नंबर इवन नंबर है, तो देखिए 10 एक इवन नंबर है, 12 एक इवन नंबर है, तो ये दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी,
दो से डिवाइड करिए, क्या 9 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि 9 एक ऑड नंबर है, तो 9 को वैसा ही लिख दीजिए। 10 डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइड हो जाएगा क्या बचेगा? 5 बचेगा। 11 डिवाइड नहीं होगा, वैसा ही लिख दीजिए। 12 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा? 6 बचेगा। क्या इन तीन चारों में से कोई एक इवन नंबर है? तो देखिए 6 इवन नंबर है, मतलब 2 से फिर से डिवाइड होगा। 9 डिवाइड होगा क्या? 9 डिवाइड नहीं होगा, वैसे लिख दीजिए। 5 डिवाइड नहीं होगा, वैसे लिख दीजिए। 11 डिवाइड नहीं होगा, वैसे लिख दीजिए। 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। 3 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए क्या इनमें से कोई इवन नंबर है? तो इन चारों में से कोई भी इवन नंबर नहीं है, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर में चलते हैं, जो कि है 3। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। क्या 3 9 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा? जी हाँ, ये 3 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड करता है। क्या 5 को डिवाइड करेगा? तो 5 को डिवाइड नहीं करेगा। क्या 11 को डिवाइड करेगा? 11 को डिवाइड नहीं करेगा। 3 को डिवाइड करेगा? 3 को डिवाइड करेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर चलते हैं नेक्स्ट, 3 से एक बार फिर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो 3 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स में। 5 डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही बच जाएगा। 11 डिवाइड नहीं होगा और यहाँ पे 1 आ गया, तो उसको 1 ही लिख दीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर, क्या है नेक्स्ट प्राइम नंबर? आएगा यहाँ पे 5। क्या 5 इसको डिवाइड करेगा? 5 5 को डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 5 5 को 1 टाइम से डिवाइड करेगा, यहाँ पे 11 डिवाइड नहीं होगा, तो 11 को वैसे लिख दीजिए और यहाँ पे तो 1 आ चुका है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 7 7 होता है, लेकिन क्या 7 11 को डिवाइड करेगा? 7 11 को डिवाइड नहीं करेगा, तो यहाँ ने उसके और आगे चलना पड़ेगा। 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7 के बाद प्राइम नंबर आता है 11। क्या 11 11 को डिवाइड करेगा? तो जी हाँ बिल्कुल, 11 11 को डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे आता है आएगा 11 और यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 11 11 को 1 टाइम में डिवाइड कर देगा और यहाँ पे तो 1 आ चुका है पहले से। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है 11, यहाँ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। मैं यहां पे लिखता हूं, एलसीएम क्या आया? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 11। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 4 4 और 3 की पावर 2 कितना होता है? 9, और 4 इंटू 9 कितना होगा? 36। तो यहाँ पे लिख दीजिए 36 इंटू 5 इंटू 11। 36 इंटू 5 को सॉल्व कीजिए, 5 इंटू 6 कितना होगा? 30 का 0 बचेगा 3, 5 इंटू 3 15 और 3 18 इंटू 11। इसको सॉल्व कर दीजिए 8 9 1 0 1 9 8 0 1 9 8 0। ये हमारे पास यहाँ पे एलसीएम का वैल्यू आ गया। इसका वैल्यू आ गया क्या है? 1980। तो हमें तो फाइंड करना है नंबर, नंबर को फाइंड करते हैं। नंबर क्या है? एलसीएम ऑफ 9 10, एलसीएम ऑफ 9 10 11 12 इंटू के प्लस 3। तो एलसीएम ऑफ 9 10 11 12 का वैल्यू क्या आया? 1980 इंटू के प्लस 3। के का वैल्यू मैं बताया था, के का वैल्यू क्या होता है? के का वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मतलब हमें सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? के वैल्यू को सबसे मिनिमम रखना पड़ेगा, सबसे मिनिमम वैल्यू रखना पड़ेगा के का। के का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? के का मिनिमम वैल्यू होगा 1। तो यहां पे k का वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1980 इंटू 1 प्लस 3। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1980 प्लस 3 और यह आ जाएगा 1983। यहां पे नंबर आ जाएगा। ये यह देखिए यहां पे ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन भी दिया गया है 1983। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1983। समझ में आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन में क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था, जिसे 9 10 11 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 3 आता है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला, ये जो फार्मूला मैं ऊपर बताया यही फार्मूला है। इसी में वैल्यू पुट करना था, एलसीएम ऑफ 9 10 11 12 * k + 3। k का वैल्यू यहां पे 1 होगा और r का वैल्यू यहां पे 3 होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4।
इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन 5 क्या बोला है। इसमें बोला गया है लेट x बी द स्मॉलेस्ट नंबर, x छोटा वह छोटा से छोटा नंबर है विच वेन एडेड टू 3000, जिसे 3000 में एड करने पर मेक्स द रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाई 24, 27, 30 एंड 33। x को 3000 से एड करने पर रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल होता है 24, 27, 30 और 33 से। तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ x, x के डिजिट का सम फाइंड करना है। यहां पे देखिए क्या बोला है, यहां पे बोला है x वह नंबर है, x वह नंबर है, x वह नंबर है जिसे 3000 में एड करने पर, 3000 में एड करने पर 24, 24, 27, 30 और 33 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो वह कौन सा नंबर होगा जो 24, 27, 30 और 33 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। वही पढ़ते आ रहे हैं हम कब से, वह नंबर होगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ 24, 27, 30 एंड 33, ये नंबर होगा। तो हमें यहां पे x फाइंड करना है, पहले x फाइंड करना है, फिर x के डिजिट का सम फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले तो हमें LCM फाइंड करना पड़ेगा, LCM फाइंड करना पड़ेगा किसका, LCM ऑफ 24, 27, 30 और 33 का। तो चलिए पहले LCM फाइंड करते हैं। यहां पे LCM फाइंड करेंगे 24, 27, 30 और 33 का। चलिए क्या क्या नंबर दिया है, नंबर है 24, 24, 27, 30 और 33। क्या इनमें से कोई नंबर इवन नंबर है, तो देखिए 24 और 30 इवन नंबर है, तो 2 से पहले स्टार्ट करेंगे। 2 24 को डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करेगा 1 टाइम्स में, और 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स में, तो यहां पे आ जाएगा 12। 27 को डिवाइड नहीं करेगा, वैसे ही लिख दीजिए। 30 को डिवाइड करेगा पहले 1 टाइम्स में, फिर 1 बचेगा, 1 0 के साथ मिलकर बनाएगा 10, फिर उसको डिवाइड करेगा 5 टाइम में। 33 को डिवाइड नहीं करेगा, वैसे ही लिख दीजिए। क्या इनमें से कोई इवन नंबर है, तो देखिए 12 इवन नंबर है, मतलब 2 एक बार फिर डिवाइड करेगा। 2 12 को डिवाइड करेगा 6 टाइम में, 27 को डिवाइड नहीं करेगा, 15 को डिवाइड नहीं करेगा, 33 को डिवाइड नहीं करेगा। 6 फिर से इवन नंबर है, मतलब 2 एक बार फिर डिवाइड करेगा। 6 2 को डिवाइड करेगा 3 टाइम्स में, 27 को डिवाइड नहीं करेगा, 15 को डिवाइड नहीं करेगा और 33 को डिवाइड नहीं करेगा। फिर आगे चलिए, अब देखिए इसमें से कोई भी इवन नंबर नहीं है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर में चलते हैं जो कि है 3। 3 3 को डिवाइड करेगा क्या, जी हाँ 3 3 को डिवाइड कर देगा, कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। 327 को डिवाइड करेगा क्या, 327 को डिवाइड करेगा 9 टाइम्स में। 315 को डिवाइड करेगा क्या, 15 को डिवाइड करेगा 5 टाइम्स में। 33 को डिवाइड करेगा क्या, 33 को डिवाइड कर देगा 11 टाइम्स में। फिर उसके बाद देखिए क्या 3 फिर डिवाइड करेगा, तो देखिए 3 9 को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे एक और 3 आएगा, यहाँ तो 1 आ चुका है, उसको वैसा ही लिख दीजिए। 3 9 को डिवाइड करेगा 3 टाइम्स में, 5 को डिवाइड नहीं करेगा, 11 को डिवाइड नहीं करेगा। फिर चलिए 3 3 यहाँ पे 3 को फिर से डिवाइड कर देगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 11। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 और 11 बचा है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर में चलते हैं जो कि है 5। 5 5 को डिवाइड कर देगा, यहाँ पे आएगा 1, 1 5 5 को डिवाइड करेगा, बचेगा 1, यहाँ पे है 11। फिर चलते हैं, ये 11 बचा, यहाँ पे नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है, तो 7 से तो डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद आएगा 11, 11 से डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 1, पहले से 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 11, 11 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स में। तो हमें एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 24, 27, 30 एंड 33 क्या आएगा, 2 की पावर 3। देखिए यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 5 एंड 11, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 11। इसको सॉल्व करिए, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 9 की पावर सॉरी 3 की पावर 3 कितना होता है, ये 8, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11। 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40। 27 और 11 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 7,
यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 9, 297। इसका शॉर्टकट होता है 11 से मल्टीप्लाई करने का। पहले ये 7 वाला डिजिट इधर लिख दीजिए, 2 वाला डिजिट इधर लिख दीजिए और दोनों का सम को बीच में लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 7 कितना होगा, 28 का 8, 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। 4 इंटू 9 होगा 36, 36 और 2 हो जाएगा 38, 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा। और 4 इंटू 2 होगा 8 और 3 होगा 11 और जो 0 बचे वो यहाँ लग जाएगा। तो क्या आ गया, 11880, 11880, 11880 यहाँ पे आ गया। तब इसको इसने पुट करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन इसने पुट करते हैं, एक्स प्लस 3000 इक्वल टू 11880, 11880। तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा, 11880 माइनस 3000। एक्स क्या आ जाएगा, 8880, 8880 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ गया 8880। यहाँ पे एक्स का वैल्यू आया 3880। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स, एक्स जो आया है, एक्स जो ये आया है इसका सम निकालना है। तो इसका सम क्या होगा, इसके डिजिट का सम क्या होगा, इसके डिजिट का सम होगा 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 0, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 24। ये जो 8880 आया है इसके अंकों का सम होगा 24। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 9, 12, 15 और 18, यहाँ पे ऑप्शन में 24 नहीं दिया है क्योंकि 24 आएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। ये क्वेश्चन नहीं बनाया था इसलिए ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। इसमें आएगा ई, ई ऑप्शन लिख कर नोट करिए यहाँ पे 24 जो कि आंसर होगा, यहाँ पे 24 आंसर होगा। कॉन्सेप्ट तो वही है आपका, कॉन्सेप्ट वही है, ऑप्शन इसलिए यहाँ पे 24 नहीं दिया है क्योंकि इसको क्वेश्चन को मैं ही बनाया था तो उसको मैं रेंडमली ऑप्शन दे दिया था जो कि इसमें नहीं है। तो ई करके एक और नया ऑप्शन एड करिए 24 जो हमारा आंसर होगा, ठीक है।